और भी लोग पहुंचे हुए हैं, केजरीवाल जी पहुंचे, ममता जी पहुंची हुए उसी गोवा में, इतने से गोवा। लोकतंत्र में सबको अधिकार है, जिसको लड़ना है वो लड़ ले, जनता जिसको चुनेगी वो आखिर सिकंदर है। इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती क्या है सरकार के सामने, चुनाव जीतना बड़ी चुनौती है या लोगों तक अपनी बात पहुंचाना बड़ी चुनौती है? देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी का मैं बचपन से उनका बड़ा फॉलो करता था, उनने बहुत सुंदर बात कही थी कि सरकारें आएगी बदल जाएगी, प्रधानमंत्री आएंगे बदल जाएंगे, नेता आएंगे बदल जाएंगे, सांसद बनेंगे बदल जाएंगे, एमएलए आएंगे बदल जाएंगे, पर ये देश यही रहेगा। और इसलिए उन्होंने कहा था कि हमें देश के लिए काम करना है, केवल सरकार बनाने के लिए काम नहीं करना है। और इसलिए हमारी सोच यही है कि पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म, और इस देश को आगे ले जाना, हम दो चार रहे न रहे पर तेरा वैभव अमर रहे माँ, ये गीत हम गाते गाते राजनीति में आए। तो पॉलिटिक्स हमारा प्रोफेशन नहीं है, ये हमारा कन्विक्शन है। और देश को पुनर्निर्माण करना, दुनिया इस देश को वर्ल्ड की सुपर इकोनॉमिक पावर बनाना, भय भूख आतंक भ्रष्टाचार से मुक्त करना, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करना, ये सही में मकसद है और यही काम हमको करना है। और मोदी जी के नेतृत्व में काफ़ी गति से हम प्रयास कर रहे हैं, हमारे सरकारें राज्य सरकारें काफ़ी बदल हो रहे और काम करने की कोशिश करेंगे और हमारे देश को दुनिया में आगे लेकर जाएंगे, यही प्रयास है। और मुझे लगता है इसलिए चुनाव हारना या जीतना ये बड़ी बात नहीं। देखो, मैं साइकिल पे घूमता था, मुझे अभी भी दिल्ली मालूम नहीं है। मैं बीजेपी प्रेसिडेंट बनकर आया तो मुझे एक ही रोड मालूम है जो एयरपोर्ट से यहाँ से फिरोजशाह रोड पे जाता था, और आज भी मैं 90% दिल्ली नहीं जानता, मुझे नहीं पता, मैं कभी आया नहीं। मैं पोस्टर चिपकाता था, मैं दीवारों पर लिखता था, मेरा हस्ताक्षर गंदा था। तो उस समय ये टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, फ्लेक्स बोर्ड नहीं आए थे, तो काले दीवार पर सफ़ेद चूना लगाने का काम करना पड़ता था। तो वो सफ़ेद चूना लगाने के लिए मैं इसलिए फिट था क्योंकि मेरा हैंड राइटिंग बहुत ख़राब था, तो मैं कहता था कि महात्मा गांधी जी में ख़राब था वैसा मेरा ख़राब है, मैं ग्रेट आदमी हूँ। तो मैं क्या करता था, चूना मारने का काम मैं करता था और जिसका हैंड राइटिंग अच्छा था वो फिर गेरू या नील से उसके ऊपर लिखते थे। तो ऐसा आदमी जो कभी आया नहीं दिल्ली में, वो मैं पार्टी का प्रेसिडेंट बन गया और जहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जिस कुर्सी पे बैठे, अडवाणी जी बैठे, उसमें मैं बैठा। तो इसलिए हमारी पार्टी जो है ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और मैं ये मानता हूँ कि ये पार्टी केवल मकसद चुनाव जीतना नहीं है, मंत्री बनना ये जीवन का उद्दिष्ट नहीं है। देखो, आपको मैं बताता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं मुंबई से, वहाँ 18 साल था, अब तो मैं मुंबई जाता नहीं, पर मैं वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट बनाया, मैंने 55 उड्डान पुल बनाया, वो मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया, अब मैं उसको भूल गया हूँ, पर जब भी मैं हवाई जहाज में जाता हूँ तो मुझे कोई ना कोई लोग मिलते हैं और वो बोलते ये बनाओ वो बनाओ, तो मतलब मैं मुंबई में नहीं हूँ, ये जैकी श्रॉफ करके फिल्म एक्टर थे, एक दिन मैं हवाई जहाज से आ रहा था तो मेरे पास आ गए और मुझे कहने लगे कि देखो नितिन जी, ये साउथ मुंबई को और मुंबई पुणे हाईवे से जोड़ो डायरेक्ट, ये वीटी से फ्लोरा फाउंटेन से डायरेक्ट उधर जा सकेंगे, तो वो एक ब्रिज बन रहा है अभी। तो मैंने कहा जैकी जी, आपको पता नहीं होगा आजकल मैं मुंबई में नहीं हूँ, हमारा राज्य भी नहीं है और मैं दिल्ली गया हूँ, तो मैं कहाँ से बनाऊँगा? बोले, आपको क्या लगता है, मुझे मालूम नहीं, मुझे सब मालूम है, पर मेरा एक ही विश्वास है कि जिस दिन आप बनाओगे तो ही बनेगा, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। तो ये जो लोगों का विश्वास होता है, पॉलिटिकल कॉन्फिडेंस, पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ पॉलिटिक्स। तो यही बात, लोगों का विश्वास होता है, यही इंपॉर्टेंट है और इसी पे पार्टी और नेतृत्व का मूल्यांकन होता है। आपने अपने पुराने दिनों की बात की, अब कोई व्यंग्यकार कहेगा कि नितिन गडकरी जी कह रहे थे कि चूना मैं लगाता था, और चूना लगाने का बड़ा नहीं, चूना है नहीं, वो जो सफेद रंग का चूना जो दीवार पे लगता है वो बात कर रहा हूँ। वो कहते हमारे यहाँ इसने टोपी पहना ही, हाँ। तो परसों मैं लातूर में था तो काफ़ी 40-50 हज़ार की भीड़ थी और मुझे टोपी पहनाई, तो मैंने कहा ये तुमने मुझे आखिर टोपी पहना ही दी। तो कभी कभी एक ही वाक्य के दो अर्थ होते हैं। आप तो महाराष्ट्र से आते हैं और ये सब इतना अच्छा लेते हैं, तो ये क्यों आलोचना होती है कि आपकी सरकार या आपका प्रशासन, आपकी पार्टी व्यंग्यकारों को बोलने नहीं देती, उनको रोकती है, या उनको क्यों नहीं बोलना चाहिए? हमने नहीं किसी को रोका है,
व्यंगकार कहते हैं कि हमारे को आजादी नहीं बोलने की, व्यंगकार कहते हैं हमको बोलने की आजादी नहीं, हमारे शो कैंसिल हो जाते हैं। नहीं नहीं बिल्कुल, हम किसी को रोकना नहीं चाहते, और फ्रीडम ऑफ स्पीच, फंडामेंटल राइट, लोकतंत्र, और मैं तो इमरजेंसी के खिलाफ, जयप्रकाश जी के मूवमेंट में मैं स्टूडेंट था, और मैंने एक ही साल मेरे कॉलेज का छोड़कर मैं उस आंदोलन में आया हूँ, तो लोकतंत्र तो हमारी आस्था है, हमारा आत्मा है, तो ये राइट हम किसी को नहीं रोकने। वो जो अब कहा जा रहा है कि आज़ादी 2014 में आई, उसको आप क्या बोलेंगे? नहीं ऐसा है, आज़ादी का इतिहास जो है, आज़ादी 1947 में मिली है, इतिहास कोई बदल नहीं सकता, और आज़ादी आसानी से नहीं मिली है, उसके लिए अनेक देशभक्तों ने, स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों ने, अनेक जनता में से अनेक छोटे मोटे लोगों ने, क्रांतिकारकों ने, उनकी मालिका बहुत बड़ी है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर लोकमान्य तिलक तक, महात्मा गांधी से लेकर स्वतंत्र वीर सावरकर तक, चाहे मतभिन्नता हो सकती है मार्गों के बारे में, पर सबने देश के लिए काम किया, उन लाखों लोगों की कुर्बानी से हमको आज़ादी मिली है, और उस आज़ादी के बाद अब 75 साल जब पूरे हो रहे हैं, तो स्वराज्य मिल गया, अब स्वराज्य का रूपांतर सुराज्य में करना, तो वो प्रयास हम कर रहे हैं। वो अभी 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 आपकी नज़र में मिल गया या मिलने की ओर है? क्या सुराज्य? देखो सुराज्य ये कभी कंप्लीट प्रोसेस नहीं होती, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हमारे बीच में पूर्णांक नहीं है, 100% परफेक्शन ये इम्पॉसिबल कंसेप्ट है, नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट, उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम टू इन्फिनिटी, तो हम कितना भी अच्छा करेंगे तो फिर नए सपने आते हैं। अगर मैं एक एक्सप्रेस हाईवे बनाता हूँ, लोग बोलते एक तो बनाओ, अब मैं 26 बना रहा हूँ, तो लोग बोलते यार वो 26 तो बने, पर मेरे गांव को जोड़ने वाला कब बनेगा? तो लोगों की अपेक्षाएं जितना काम करेंगे उतनी बढ़ती जाती है, और इसलिए देश भी ऐसी बनना चाहिए, किसान हो, गांव हो, गरीब, मजदूर, किसान, सबकी प्रगति, विकास होता रहे, लोगों की अपेक्षाएं जैसे विकास ज़्यादा और बढ़ती है, फिर उसके बाद धीरे अभी एक चौपाल हो रहा है। मुझे याद है कि मैं जब नया नया आया था तो चौपाल रामलीला मैदान पर होता था, एक जगह मैं आज याद कर रहा था, आज चौपाल 5-स्टार होटल में हो रहा है। तो दुनिया बदल रही है, जो कल था वो आज नहीं, आज है वो परसों नहीं, तो दुनिया के साथ फिर भी अपेक्षा बढ़ती है। अभी अगले बार लोग बोलेंगे अब ताज पैलेस तो हुआ, अगले बार और 7-स्टार कोई होगा उसमें चौपाल करो, तो ये इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, और ये होता रहेगा।